रिया चक्रवर्ती के नाम के बारे में अब कौन नहीं जानता। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया, जितनी अपनी मूवीज के कारण पॉपुलर नहीं थी उससे कई गुना अब वह सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड करने के बाद हुई है। कर्नाटका के शहर बेंगलोर में जन्मी 1 जुलाई 1992 को रिया के फादर इंद्रजीत चक्रवर्ती इंडियन आर्मी में डॉक्टर थे, जिसके कारण रिया ने अपनी स्कूलिंग अम्बाला के आर्मी पब्लिक स्कूल से पूरी करी है। रिया बचपन से ही सफल होने के बारे में और एक कामयाब एक्ट्रेस बनने के बारे में सोचती आई थी। वह जब सिर्फ 8वीं क्लास में थी तब वह पहली बार किसी रिलेशनशिप में आई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उनका ब्रेकअप हो गया था। जिसके साथ वह रिलेशनशिप में रही थी, कई साल बाद उनसे मुलाकात करने के बाद उनका पहला सवाल उन्हें था कि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते, जिससे ये बात साबित होती है कि वह लुक्स को काफी प्रेफरेंस देती हैं। अपने टीवी करियर की शुरुआत रिया ने साल 2009 में करी थी एमटीवी के शो टीवीएस स्कूटी टीन दीवा से, जिसके बाद उन्होंने ऑडिशंस दिए एमटीवी वीजे के लिए, जिसमें सिलेक्ट होने के बाद रिया एमटीवी के शो होस्ट करती नजर आई एमटीवी व्हाट्सअप, एमटीवी गॉन इन 60 सेकंड्स, एमटीवी टिकटॉक कॉलेज बीट। अपने मूवी करियर की शुरुआत रिया ने तेलुगु मूवी तुनेगा तुनेगा से करी साल 2012 में, जिसके बाद अगले साल ही उन्होंने डेब्यू करा साल 2013 की बॉलीवुड मूवी मेरे डैड की मारुति से। फिर साल 2014 में वह लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई मूवी सोनाली केबल में, जिसमें उन्होंने सोनाली का रोल निभाया। फिर वह साल 2017 में नजर आई यशराज मूवीज की फिल्म बैंक चोर में, जिसमें वह स्क्रीन शेयर करती दिखी विवेक ओब्रॉय एंड हितेश देशमुख के साथ। साथ ही उनका कैमियो भी रहा 2017 की बहुचर्चित मूवी हाफ गर्लफ्रेंड में, जिसके बाद उनकी आखिरी मूवी रही 2018 की फिल्म जलेबी। रिया के थिंकिंग एंड सुशांत की थिंकिंग में बहुत बड़ा फर्क था। जहां एक तरफ तो सुशांत का इंटरेस्ट कॉस्मोलॉजी की तरफ था, वहीं रिया इसके बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट थी। सुशांत की मुलाकात रिया के साथ तब हुई जब रिया अपनी बॉलीवुड डेब्यू मूवी मेरे डैड की मारुति की शूटिंग कर रही थी, जहां से कुछ दूरी पर ही सुशांत सिंह राजपूत की मूवी शुद्ध देसी रोमांस का भी सेट लगा हुआ था, जिसकी वह शूटिंग कर रहे थे। सुशांत उस टाइम अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका ब्रेकअप हो गया। रिया के साथ तो सिर्फ उनकी दोस्ती थी, सुशांत कुछ टाइम पहले ही यहाँ तक अनाउंस कर चुके थे कि वह अंकिता के साथ ही मैरिज करेंगे, लेकिन अंकिता के साथ ब्रेकअप होने के बाद धीरे धीरे उनकी दोस्ती रिया के साथ रिलेशनशिप में बदलती गई। सुशांत तो अब हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन सुशांत को इंसाफ जरूर मिलेगा। इंसाफ की इस लड़ाई में हमें भी आगे आना चाहिए, ताकि हम खुद सब मिलकर सुशांत को इंसाफ दिलाने में अपना योगदान दे सके और सच्चाई सबके सामने ला सके। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा।